हरि ओम। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं सावित्री पाल, कानपुर काकादेव से। मेरा उपासना केंद्र काकादेव में ही चल रहा है। मैं 2008 से बापू के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिली थी कि बॉम्बे में एक बापू जी रहते हैं। वहाँ पर मुझे पता चला कि बापू की फ़ोटो, मेरी बेटी इस पुणे में दलवी परिवार में शादी हुई थी, मेरी बेटी किशोर दलवी परिवार बापू से पहले से ही जुड़े थे। मेरी बेटी इनकी एक फ़ोटो लेकर के कानपुर गई और इनके बारे में बहुत कुछ बताया। इसके बाद मैं फ़ोटो रख दी, मैंने पूजा नहीं करना शुरू किया, लेकिन मैंने फ़ोटो घर पर बराबर रखी रही। मेरे घर में कुछ भी विपत्तियाँ आती थी तो अपने आप चली जाती थी, तो मैं मन में यही सोच लेती थी शायद बापू के कारण ये सब हो रहा है। इसके बाद मैं 5 साल तक मैंने किसी तरीके से बापू को मन में केवल जानती थी और किसी तरीके की पूजा नहीं करती थी, ना कहीं उपासना जाती थी। केवल मैं उनको केवल हाथ जोड़ करके मैं कहीं भी निकलती थी तो हाथ जोड़ लेती थी कि बापू आप समझो। इसके बाद मैं मेरे कानपुर में एक निराला नगर में इनका उपासना केंद्र था, तो मुझे बहुत यहाँ से भी मेरी बेटी कहा करती थी मम्मी वहाँ जाया करो। जब मैं गई पहले निराला नगर में जहाँ उपासना केंद्र था, मैं वहाँ जा कर के पहले देखने लगी कि मैं यहाँ देखूँ कि बहुत फ़ोटो बापू की लगी है। जब उनके घर गई तो मुझे एक अजीब सी खुशी मालूम हुई और उनके ही घर से मैंने अपने घर आई करके मैं उन्हीं के यहाँ बराबर जाने लगी। 2-3 बार 4 बार उपासना केंद्र जब हो बस हर शनिवार उनके यहाँ उपासना केंद्र होता था तो मैं उनके यहाँ जाने लगी। फिर इसके बाद में मैंने काकादेव में वो निगम जी हमारे यहाँ हैं तो उनसे मैंने कहा कि मैं अपने ही घर में ये उपासना केंद्र खोलना चाहती हूँ। उन्होंने अपना मेरे यहाँ पर उपासना केंद्र खुलवा दिया। मैं देखती हूँ कि मैं सर्विस में अपना निरंतर मेरी जितनी भी महिलाएं आने लगी और लगातार बापू सबको अनुभव लगातार देने लगे। कोई कुछ बता देता था, डेली आता था कि मुझे आज ऐसा मेरे यहाँ हुआ, आज वैसा हुआ। मैं स्वयं ही बहुत अनुभव पर पाने लगी कि मेरे घर में की स्थितियाँ काफ़ी ख़राब थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। अचानक एक दिन मैं अपने ऑफिस गई थी, वहाँ पर ऐसा हुआ कि मेरी एक बहुत पुरानी सहेली थी जिसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, उसने ही मुझे फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं अपने ऑफिस में हूँ। बोले आप शीघ्र ही आ जाओ, मेरे हस्बैंड का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और वो कोमा में भी चले गए, उन्हें होश भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं आती हूँ। मैं वहाँ से आते आते मुझे 2 घंटे हो चुके और जब मैं गई हॉस्पिटल तो देखा कि वो बेहोश पड़े थे और वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। इसके बाद वो मेरे भी गले में लिपट करके रोने लगी, किसी भी तरीके इनको होश आ जाए। मैंने उनको, मुझे विश्वास था अपने बापू पे, तो मैंने कहा ये उधि लो, इनको एक 15-15, 20-20 मिनट में बापू की उधि इनके मुंह में डालना और जहाँ जहाँ चोट लगी वहाँ वहाँ ये उधि का ही लगाना और इसके बाद में आप ये बापू की उपासना करना जारी कर दो। मैंने उपासना जारी कर दिया। उसको दूसरे दिन भी उनकी वही हालत रही। तीसरे दिन उनका ऑपरेशन जब होने को गया तो डॉक्टर साहब ने उनसे यही कहा कि 99% ये कोमा में जा चुके हैं, भगवान का कोई ही चमत्कार इन्हें बचा सकता है, वरना देखते हैं कितने दिनों में होश आता है। तो मैंने कहा कि बापू की तुम उपासना जारी करो और कहीं किसी से मिलने मत जाओ, सिर्फ उपासना और उधि ही लगाना। मैंने उनसे उधि लगाती रही वो लगातार, और डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए ऑपरेशन के बाद हम सभी लोग वहाँ पर खड़े, और मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया प्लीज़ डॉक्टर साहब इनको होश आ जाएगा, तो बोले नहीं भगवान का ही कोई चमत्कार हो सकता है तो इनको होश आ जाएगा। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं लेकिन मैं अपने बापू से प्रार्थना करूँगी कि बापू इनको 24 घंटा में ही होश में लाना है। मैं चैलेंज के साथ मैंने उससे कहा डॉक्टर साहब से कि इनको 24 घंटे में ही होश आएगा, इनको 24 घंटे में आना चाहिए। हमने भी जा करके अपने उपासना केंद्र जितने हैं वहाँ पे सब जगह सूचना कि इनको होश में लाना ही है, डॉक्टर साहब को मैं कह के आई हूँ कि इनको 24 घंटे में होश में आना पड़ेगा। इसके बाद में मैं जब गई वहाँ पर उपासना किया और हमारे यहाँ और जहाँ उपासना केंद्र वहाँ पर भी इनकी चालू हो गई, ठीक 24 घंटे में इनको होश आया। वो लोग आ करके मेरे भी मतलब धन्यवाद देने लगे। हमने कहा मुझे नहीं, मेरे बापू को जो मैं करती हूँ वही तुम करो, बापू ही सबको वो करता हूँ। तो मेरे पास में ये आने लगे कि डॉक्टर साहब पूछने लगे, कहने लगे बहन जी आप किसकी आप पूजा करती इतने विश्वास के साथ में। तो मैंने कहा मैं अनिरुद्ध बापू की पूजा करती हूँ। हरिओम, मैं अम्बद्ध